हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है 5 पेन कॉस्ट ₹15। भाई जब हमने 5 पेन लिए तो कितने के लिए? 15 के लिए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए 9 पेन और बी 14 पेन। अब भाई जब हमारा 5 हमने पेन लिए तो कितने के लिए? हमने ₹15 के। अब 9 पेन किसका होगा, कितने का होगा? पर इसके लिए हमें 1 पेन की कीमत पता होनी चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ, हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स। 5 पेन्स कितनी है हमारी? ₹15 है भाई। देन द कॉस्ट ऑफ, अब हम देखेंगे भाई कॉस्ट ऑफ 1 पेन। जब 5 पेनों की कीमत ₹15, तो 1 पेन की क्या हो जाएगी? 15 अपॉन क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आप इसको डिवाइड कर देंगे भाई, 5 से 15 को डिवाइड करके देखो, 5 × 3 = 15, पूरा जा रहा। इसका मतलब 1 पेन की कॉस्ट ऑफ 1 पेन, कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितनी आ गई? ₹3। भाई 1 पेन की कीमत हमारी आ गई ₹3 की। अब आप इजी निकाल सकते हैं भाई 9 पेन की कीमत क्या होगी। देन आप लिख सकते हैं देन द कॉस्ट ऑफ 9 पेन क्या हो जाएगी भाई? 9 × 3 या 3 × 9 कितना हो जाएगी? ₹27 हो जाएगी। भाई 1 की 3 है तो 9 की क्या हो जाएगी? 27 हो जाएगी। 9 × 3 = 27 हो जाएगी। ओके, ऐसे मैं 14 पेन की निकाल सकता भाई पी। देन आप लिख सकते द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। 1 पेन की कॉस्ट हमारी कितनी है? ₹3 आ रखी। देन द कॉस्ट ऑफ कितने हमें? 14 पेन की निकालनी। 14 पेन्स क्या हो जाएगी? 3 × 14 हो जाएगी भाई। सिंपल है, 1 की आ रखी तो 14 की मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल। तो देखो 3 × 4 जो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कैरी 1, 3 × 1 = 3, वो 1 कितना हो जाएगा? 4 भाई। तो 1 पेन की कीमत अगर 3 है तो 14 की ₹42 हो जाएगी। ओके।